नमस्कार दोस्तों, आपने क्लिक किया है अपने YouTube चैनल बॉलीवुड ब्लंट पर। मैं हूं रंजीत कुमार। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे जोरदार टक्कर के बारे में जिसे सुनकर आप यकीनन हैरान हो रह जाएंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ईद पर होने वाली टक्कर की। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट ईद पर रिलीज होने जा रही है, लेकिन अब ट्यूबलाइट को टक्कर देने के लिए आ रहे हैं भैया जी सुपरहिट। जी हाँ, भैया जी सुपरहिट सन्नी पाजी की यानी सन्नी देवल की फिल्म है, जो कि पिछले 6 साल से बन के तैयार है। अब ईद पर एकाएक उनके प्रोड्यूसर साहब ने घोषणा कर दी है कि मैं भैया जी सुपरहिट को ईद पर सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट के सामने रिलीज करूंगा। अब सोचिए, जहां इस समय बॉलीवुड पर इकलौते जो है खान, माने इकलौते खान सलमान खान की फिल्म राज करती है, उनके सामने फिल्म, अगर उनकी फिल्म रिलीज होने वाली रहती है तो 1 हफ्ता बाद, क्या 2 हफ्ते बाद फिल्म रिलीज होती है? कोई नहीं। लेकिन यहां तो भैया जी सुपरहिट की आमने सामने की टक्कर हो रही है। अब कहा जा रहा है कि भाई सलमान खान को तो अधिक स्क्रीन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो मौजूदा हॉट केक है। सन्नी पाजी का एक जमाना था जब उनकी फिल्में सुपर डुपर हिट हुआ करती थी। कोई भी फिल्म आती थी, बॉक्स ऑफिस पर लोग टूट पड़ते थे और उन्होंने गदर मचाई बॉक्स ऑफिस पर। बॉर्डर उनकी फिल्म आई, घातक, घायल, ना जाने क्या क्या फिल्में आई। और एक जमाना था जब सलमान खान, यकीनन सलमान खान और सन्नी देवल एक साथ फिल्में भी कर चुके हैं। आपको एक फिल्म याद होगी जीत, जिसमें मुख्य भूमिका के तौर पर अगर देखा जाए तो सन्नी देवल थे और सलमान खान साइड में थे। उस समय सलमान खान का सितारा गर्दिश में था और ये भी कहा जा रहा है कि उस फिल्म की वजह से सलमान खान ऊपर आए। अब देखिए, अब जबकि सलमान खान का सितारा एकदम ऊपर है भैया, तो अब सन्नी देवल का अपनी फैन फॉलोइंग है। उनके उत्तर भारत में, खासकर पंजाब, यूपी, बिहार में उनकी फिल्में धूम मचाती थी एक ज़माने में। अभी भी घायल्स वंस अगेन उनकी आई फिल्म, तो वो फिल्म यूपी, बिहार, पंजाब में ही ज़्यादा कमाई की। अब एक बार फिर उनकी फिल्म आ रही है भैया जी सुपरहिट। अगर नई फिल्म होती तो एक बात कहा जा सकता था, लेकिन वो 6 साल पुरानी फिल्म है, तो क्या दर्शक सन्नी देवल को फिर से वही प्यार देंगे? क्या सन्नी देवल की भैया जी सुपरहिट वाकई बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट होगी, या सलमान खान बॉक्स ऑफिस के अखाड़े पर सुल्तान साबित होंगे ट्यूबलाइट के जरिए? तो ये देखना मुकाबला दिलचस्प होगा। लेकिन हम दर्शकों के लिए, मैं तो वही सन्नी देओल का भी फैन हूँ, सलमान खान का भी फैन हूँ, मैं तो दोनों ही फिल्में देखूंगा, यानी दर्शकों के लिए इस बार ईद पर डबल डोज है इंटरटेनमेंट का। और ये भी बता दूं कि भाई भैया जी सुपरहिट में कौन सी हीरोइन है, यानी पुराने ज़माने की हिट फिल्म गदर की हीरोइन अमीषा पटेल उनके साथ है और प्रीति जिंटा भी। तो ये हम लोग काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि ईद का, कि भाई हम दो दो फिल्में एक साथ देख सकें, सलमान और सन्नी देओल की। खैर, हमारा अब करना क्या है कि अब मैं वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में आपको इस पर कमेंट करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है। तब तक के लिए बाय बाय।